हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्किल्स। आज मैं आपको संस्कृत का फाइनल लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ कि आपने किस तरह से रेडी रखना है और किस तरह से आपने लिखना है इसको। जो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं या सहायक सामग्री हैं, तो संस्कृत वाले जो बच्चे हैं, मैंने इसमें हिंदी में बता रखा है, आप इसको संस्कृत में भी लिख सकते हो। व्यवहारिक परिवर्तन के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, यानी कि जो आप टॉपिक ले रहे हो उसके रिगार्डिंग आपने उद्देश्य लिखनी है। तो कोशिश कीजिए, अगर इसको संस्कृत में लिख सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हिंदी में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, जो भी लैंग्वेज आपके पास है, अगर उस लैंग्वेज में हम पूरा कंप्लीट लेसन प्लान लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो संस्कृत वालों बच्चों को तो संस्कृत आती ही है, तो आप इसको हिंदी को आप संस्कृत में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आ गई। कोई भी आप टॉपिक लेते हो 6 से 10 तक का संस्कृत का, तो उसी का आपने प्रेजेंटेशन देनी है फाइनल लेसन प्लान की, उसी का मॉडल प्रिपेयर करके लेकर जाना है और क्लास में 40 मिनट तक पढ़ाना है। तो आपका लेसन प्लान इतना लेंथी होना चाहिए जिसे आप क्लास में 40 मिनट तक पढ़ा सकते हैं ईजिली। ओके, अगर फिर भी इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट लगता है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में कोई भी आपकी क्वायरी जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स दूँगी, आपका आंसर देने का प्रयत्न करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने संधि का लिया है, संधि का। ठीक है, तो बीच में आप फ्लैश कार्ड भी लगा सकते हो। ये सिर्फ फाइनल लेसन प्लान ही नहीं है, जो आपकी प्रैक्टिकल्स हैं उसमें जो आप लेसन प्लान लिखते हो, बनाते हो, उसका भी यही पैटर्न रहता है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यही जो है पैटर्न यूज़ किया जाता है लेसन प्लान के लिए। प्रेजेंटेशन है ये, संधि का ही कंप्लीट मैंने दे रखा है 40 मिनट का, जितने भी आपके पेजेस हैं वो सारे के सारे ही फिल करने हैं। मॉडल थोड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए और मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसे आप इजीली से डिस्क्राइब कर सकते हो, पढ़ा सकते हो बच्चों को, और बच्चों को पढ़ते हुए भी मज़ा आना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, तभी आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे लगते हैं। एक्सटर्नल आता है बाहर से आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए। ओके, तो ये सारी प्रेजेंटेशन है संधि का, संधि का विच्छेद हमने कैसे करना है, एग्जांपल्स दे रखी हैं इसकी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। लास्ट में अंतिम कथन, रिकैप्चुलेशन और होमवर्क देना है, ये ब्लैक चार्ट पर ही लिख कर देना है होमवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। थैंक।